तो दोस्तों किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि डराओ तो डराओ, ऐसा डराओ कि सामने वाले की गन फट कर। यही इस मूवी के अंदर देखने को मिला और दोस्तों से छुपा कर जिम का बंक लगाकर ट्रेनर को पता लग गया। तो और अभी तो रुको, किसी को बिना बताए मैं देख के आऊं अकेला दूसरी मूवी अवतार के बाद इंसिडेंस टू द रेड डोर। और भाई मूवी देखने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन था कि भाई ये मूवी क्यों देख ली, और मूवी के अंदर इतने आगे बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले सब्सक्राइब करो और उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं इस मूवी के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसएम टॉक क्लब। भाई आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंसिडेंस टू द रेड डोर। अगर आपने इसके पहले के पार्टीशन नहीं देखे तो कोई बात नहीं, पहले के पार्टीशन भी हॉरर ही थे। तो भाई पांचवें पार्ट में कहानी कुछ अलग ही है। अब वो कहां अलग है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भाई जो वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया और उस कहानी से इतना रिलेट कर रहा है कि वो बड़ा होकर किसी और दूसरे शहर में जाके कोचिंग ले रहा है एक आर्ट की। और भाई उसके दौरान उसको बीच बीच में एक ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि भाई उसकी रूह तक कांप जाती है और उसको मिलता है एक रेड डोर। रेड डोर मिलता है और वो डोरेमन वाला रेड डोर नहीं, कहीं भी वो चाहते का रेड डोर मिलता है। और रेड डोर में वो क्या चीजें होती है तो आपको मूवी के अंदर जाके देखना पड़ेगा, सब नहीं बताऊंगा भाई मैं। और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो भाई पॉजिटिव पॉइंट भाई डरा डाला, असंभव असंभव बेचोद असंभव, इतना डरा डाला कि मजा आ गया। क्योंकि वो एक हॉरर कॉन्सेप्ट होता है ना कि भी हाँ अचानक आ जाना, सब रिएक्शन देना और ये सब चीजें, इसी एक ही वसूल पैसा वसूल है थिएटर में देखने का, क्योंकि घर पे नहीं देखोगे भाई। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट भाई इसका जो साउंड वर्किंग है और स्टोरी कॉन्सेप्ट है जो खींच के रखा है ना, वो काफी अच्छा लगा, कॉन्सेप्टेबल था, देखने लायक था। दोस्तों नेगेटिव पॉइंट की बात करते भाई, नेगेटिव पॉइंट अपने को दिख ही जाता है भाई, यू नो दैट थिंग, आई एम हैव एडिटर माइंड। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करते भाई एक ही नेगेटिव पॉइंट है भाई, इसको जो हाइप मिली थी तो वो हाइप नहीं मिली। और भाई जो थिएटर में लोग देखने वाले थे वो सिर्फ कपल ही थे, उसके अलावा कोई बंदा ही नहीं था, मैं भी सिंगल ही गया था भाई। और तीसरी बात जो इनके एडवर्टाइजिंग और होनी चाहिए थी वो इन्होंने करी नहीं, पता नहीं क्यों नहीं करी, लेकिन वो कमाई इस लेवल पे कर पाएगी नहीं, क्योंकि इंसिडियस का ये पांचवा पार्ट है और पांचवा पार्ट को फर्स्ट पार्ट के साथ रिलेट करने के बाद ये जो मूवी निकालना चाहते हैं वो चीज निकाली है इन्होंने। और उसके बाद अरे कहना क्या चाहते हो, आखिरी में तो अपन यही बोलेगा कि अगर आपको हॉरर पिक्चर पसंद है तो जाके लग रही है जाके देखिए जरा, और जरा कमेंट करके बताए कैसे लगी अगर देखिए। तो यहाँ पे आपको सलार का रिव्यू दिख रहा होगा वो जाके देखिए और मजे लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग।